एहतजाज करना, सड़कों के अंदर अफरा तफरी फैलाना और मौजूदा बीमारी के मौसम के अंदर यह कतअन भी पाकिस्तान के साथ उपलब्धि नहीं है। और फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखें, इस वक्त यहूदी लाबी पूरी दुनिया के अंदर सरगर्म है और उन्हें खटक रहा है तो पाकिस्तान खटक रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ तमाम साजिशें हिंदू की और यहूदी की नाकाम हो चुकी हैं, लेकिन अब मुख्तलिफ तरीकों के साथ वो पाकिस्तान के अंदर कभी शिया सुनी लड़ाई कराकर और कभी हिंदू मुसलमान लड़ाई कराकर और अब ये सियासी मैदान के अंदर वो यकीनन मैं समझता हूं शायद सामने तौर पे तो किसी को पता ना हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे, जरदारी साहब के पीछे और फजल रहमान साहब के पीछे दर पर्दा यहूदी लाबी पैसे ना लगा रहे। जो कुछ हो रहा है यहूदी की साजिश के तहत हो रहा है और इसका सुकून या मोदी को पहुंच रहे या यहूदियों को पहुंच रहे। हर मुहिबुल वतन परेशान है, हम मुहिबुल वतन समझ रहे हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन यहूदी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हिंदू समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ठीक हो रहा है। खुदा के लिए हिंदू को सुकून मत पहुंचाएं और यहूदी को सुकून मत पहुंचाएं। पाकिस्तान के अंदर वाहद वतन अजीज पाकिस्तान है, जहां हम तमाम क्रिश्चियन के साथ, सिख कम्युनिटी के साथ, मसीह बरादरी के साथ और हिंदू बरादरी के साथ तमाम मुसलमान